अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, इंशाल्लाह आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ के साथ मैं ये अपना गार्डन फिर दिखा रही हूँ। अब दिखाने का मकसद ये है कि अब जो वो हमने गमले बिल्कुल जोड़ जोड़ के रखे हुए थे, उनको अब स्कैटर रख दिया इधर उधर। उसकी वजह से हमारे गार्डन में और घर में और भी रौनक हो गई और सही बाहर का मज़ा आ रहा है। तितलियाँ आती हैं, मरियम उनके पीछे पीछे भागती है और हम लोग भी सुबह बैठ जाते हैं, कोई आधा एक घंटा बैठ के मेरी सास कुरान पढ़ती हैं वहाँ पे और मैं मरियम के साथ खेलती रहती हूँ या झूले झूलवाती हूँ उसको। और ये जी ऊपर से इनके एक फ्रेंड आए थे हमारे हमसायों में से, तो वो ये खेल रहे थे इनके साथ, तो इनकी भी मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने एक आला किस्म की बिरयानी घर में ख़ुद बना के भेजी। और इन्होंने इस मज़े की बात यह है कि कोई बिरयानी मसाले जो शान के या नेशनल के या जो भी इधर उधर के मसाले आ जाते हैं, बाजारी कोई मसाले इस्तेमाल नहीं किए, अपने मसाले किए थे और इतना मज़े का टेस्ट था ये जिसकी कोई हद नहीं है। और यह साथ में चिकन बारबेक्यू जो कि सारा मैंने ही खा लिया था, किसी को खाने का मौका मैंने कम ही दिया, और साथ ही रायता था, बहुत ही टेस्टी, हर चीज़ का एक अलग टेस्ट था और मुनफरद मज़ा था, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अब मैं मिल्क शेक बना रही हूँ। मिल्क शेक मैं बनाती हूँ नस्ले के दूध से और नस्ले का ही मीठा दही के चार डाल देती हूँ चम्मच, बड़े वाले, बड़े मींस टेबल स्पून। और बस फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी और बनाना डाल के उसको झुस करती हूँ। और यहाँ पर मरियम पी रही है इस दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और दूसरों को खुशियाँ देंगे। मैं अल्लाह हाफिज़।